इसलिए अभी प्रश्न है, अभी वो राधा रानी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं राधा जी, हम जो इतने राधे 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 बोलते, राधा है क्या जी? इसलिए गुरुदेव कहते हैं राधा जी का दो स्वरूप है, एक तो मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त मतलब होता है जैसे देखो राधा रानी वहां पर खड़ी है ना, राधा जी ये मूर्ति रूप में है। कहते एक अमूर्त, अमूर्त मतलब जो मूर्ति रूप में नहीं, जो भाव रूप में है। कहते कैसे होता है, तब गुरुदेव कहते जैसे दूध को गर्म करते 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 राबड़ी बन जाती है, यही भक्ति जब ये घनीभूत अवस्था धारण करती है राधा रानी। लेकिन इसका फास्ट स्टेज भी अपने श्रद्धा, क्या है श्रद्धा। जैसे अब सभी को अंदर में भावना है, श्रद्धा है, तभी तो ये राधा अष्टम में आए हुए ना। अगर आपका अंदर में श्रद्धा नहीं होता, यहाँ दो दो तीन तीन घंटा से बैठ गए नहीं बैठते। इसलिए भक्ति का पहला स्थिर श्रद्धा। लेकिन ये श्रद्धा भी दो तरह का है, एक तो है एक तरह से कोमल एक श्रद्धा और एक शास्त्रीय श्रद्धा। जो कोमल श्रद्धा जो साधारण श्रद्धा है, अभी हम भगवान की भक्त कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी संसार में इधर उधर हो जाए ना, बस भजन भजन एक तरफ बोले हम इतने भगवान की भजन क्या भक्ति की, और ठाकुर जी हमारे साथ में ये क्या है, है? ये क्या ठाकुर जी हमारे साथ में, थोड़ी सी कोई संसार की विषय थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना, हमारा भक्ति भी टगमगा जाती है। पहले तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले ये माला छोड़ देंगे। मतलब ये माला छोड़ने के लिए पहले से बैठेंगे, ये माला कब हमसे छूट जाए, इतना गड़बड़ी यही माला है, है? लेकिन सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, माला छोड़ देंगे। इसलिए जो ये जो कोमल श्रद्धा, लेकिन यही श्रद्धा जो घनीभूत अवस्था धारण करती है ना, जो सही श्रद्धा है, कहते श्रद्धास्तु अन्य उपाय वर्जनम। जब पक्की श्रद्धा हो जाए ना, भले ही दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भगवान को नहीं छोड़ेगा। दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। अपने हरिदास ठाकुर का नाम सुने है, उनको 22 बाजार में पिटाई हो गई, सारी चमड़ा उघड़ गया। लेकिन जितने जोर से पिटाई हो रही थी ना, वो उतना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अरे जोर करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे अवस्था में भगवान की भक्ति हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे विराग ऊपर में कितने बाधा आई, विराग ऊपर में उसका पति देवर जेठ ननंद यहाँ तक भी गांव के एक कुत्ता तक उसको पीछा नहीं छोड़ा, विराग सबके सब। लेकिन विराग ने भजन छोड़ दी, बोला विराग ने भजन छोड़ी कि नहीं छोड़ी, भजन छोड़ी विराग ने नहीं छोड़ी, भले ही दुनिया छूट गया लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ा। इसलिए हमें ऐसे पक्की भक्ति होनी चाहिए, कच्ची भक्ति से काम नहीं चलेगी, हैं? इसलिए पक्की भक्ति करो। इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले निष्ठा पूर्वक गुरुदेव ने जो माला दिए हैं, हैं? माला गुरुदेव ने जो दिया है, और गुरुदेव माला नहीं दिए, गुरुदेव हमें कृष्ण दिया है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कभी भी ये माला को भूखा मत रखना। भूखा नहीं रखना मतलब अगर एक दिन अगर हमने ये माला नहीं जप की तो क्या हुई, मानो आज भगवान को दिन भर हमको खाना नहीं खिलाए, ठाकुर जी सोए नहीं, ठाकुर जी स्नान नहीं किया, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदलाए, क्योंकि भगवान ही कलयुग में से नाम रूप में ठाकुर जी आए। और जो राधा रानी तो तभी मिलेगी जब ये सर्वप्रथम हमारे गोस्वामियों ने गुरु वर्ग ने जैसे भजन किया, तो राधे राधे बोलने पर नहीं हो जाएगी, है राधे राधे बोलने पर नहीं हो जाएगी। इसलिए उनको एकदम अच्छी तरह से भक्ति करना पड़ेगा, इसलिए माला को ठीक रूप में जप करना। इसलिए गुरुदेव कहते खुद भूखे रह जाना, लेकिन माला को कभी भूखे नहीं रह जाना। इसलिए हरिदास ठाकुर जी जब तक 3 लाख हरिनाम नहीं कर लेते थे तब तक भजन नहीं करते थे। महाप्रभु उनको पास में रोज प्रसाद लेकर के आते थे, रोज प्रसाद लेकर के आते थे। हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, हरिदास ठाकुर जी वो रहते थे बाहर रहते थे,
लेकिन चूंकि तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, भगवान स्वयं, भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं। जगन्नाथ जी को कहते हैं अचल जगन्नाथ है, लेकिन जो सचल, जो चलने वाले जगन्नाथ है श्री चैतन्य महाप्रभु, ये नाम की इतने महिमा, भगवान स्वयं इनको पास में अपना प्रसाद लेकर के ठाकुर के आते थे। बोले क्यों लेकर के आते थे? क्योंकि इनके नाम में निष्ठा थे। क्या थी नाम में? क्या करना चाहिए? नाम में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैंने तुमको ये हरिनाम दिया है, ये हरिनाम को इहा जप किया सबे करिया निर्बंध, ये हरिनाम को नियमित पूर्वक करना। ऐसे नहीं आज इच्छा हुआ तो थोड़ा माला कर लिया, कल इच्छा नहीं हुआ तो माला जहां तक लटक रहे और चूहे यहाँ पर अपना चूहे बच्चे जन्म दे दिए। इसलिए हमारे किसी जो गुरुदेव ने किसी ने कोई भजन करने के लिए आए, गुरुदेव ने कहा भैया तेरे माला कहाँ है? कुछ दिन से उसने माला नहीं किया हुआ था, बोले माला को लेकर देखा चूहा उसने घोसला बना दिया, माला नहीं कर रहा है ना। इसलिए ऐसे नहीं होनी चाहिए, खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को भूखे मत रखा करो। इसलिए महाप्रभु जो बोले प्रसाद लो, बोले आज मेरी माला पूरी नहीं हुई, आज प्रसाद नहीं लूंगा। कितना माला करते थे? 3 लाख। कितना? अगर हम 16 माला करें ना, 4 बार अगर 16 माला करोगे तो हो गया 1 लाख है, 1 लाख हो गया। ऐसे 3 लाख हरिनाम करके तभी कुछ ग्रहण करते थे। बोले प्रभु आज मेरी माला संख्या पूरी नहीं हुई, इसलिए आज मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। महाप्रभु बोले देखो तुम बूढ़े हो गए हो, वृद्ध हो गए हो, अभी तो अपना नाम कम करो। देखो अच्छे तरह सिखा लो, वो क्या सिखा देते हैं? बोले प्रभु जी शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान। शरीर तो हमारी चंगा है लेकिन जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट है। सब काम के लिए समय निकलेगा, टीवी देखने के लिए समय है, स्मार्टफोन चलाने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, चुगली करते समय समय, लेकिन जब बोला था हरिनाम करना तो समय कहाँ है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सवेरे उठो और अपना जूती लो, और अपना जूती लेकर के अपना मन को सवार पीटो इसको, मतलब ये मैन को समझा। बोले मैन दिन भर हरिनाम करियो, उल्टा पुल्टा चीज में मत मत लगायो, अपना माला को ठीक से करना और ठाकुर जी को सेवा को ठीक से करना, ठीक है ना। इसलिए राधे राधे बहुत तो बात तो सुने हैं लेकिन वो राधा रानी मिलेगी कैसे? बोले जब तक साधन नहीं करोगे ना भैया, राधा बात इतना बोल दो कुछ होने वाले नहीं। इसलिए अपना साधनों को ठीक करनी चाहिए। गोस्वामी ने जैसे भजन किया है, संख्या पूर्वक का नाम करते थे और संख्या पूर्वक कीर्तन करते थे और संतों का धाम का नाम को लेकर 1000 बार, एक बार दंडवत प्रणाम करते थे, एक बार उठते थे फिर संतों का नाम, 1000 बार दंडवत प्रणाम करते थे, बड़े कठोर साधन करते थे, तभी तो इनको ठाकुर जी मिले, राधा रानी मिले ना। ऐसे थोड़ी मिली गया राधा रानी, ऐसे कृष्ण थोड़ी मिली गई। इसलिए क्या करना पड़ेगा? माला को ठीक से हरिनाम ठीक से करना पड़ेगा। और जो गुरुदेव जो तिलक दिए हैं, हैं ये तिलक को रोज लगाना। ऐसे नहीं मंदिर में आ रहे हो वहां जाएंगे तो गाली देंगे, तिलक नहीं लगाए और दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा तिलक लगा करके आ गए। ऐसे नहीं, सबसे पहले वैष्णव धर्म का जो सबसे पहला कर्तव्य तो, नहा करके जैसे सधवा स्त्रियां क्या करती हैं, सबसे पहले सिंदूर लगा के मांग भरती है, हैं ये सुहाग की। लेकिन ये सुहाग कब से बनी? शादी से पहले की, मतलब कब बनी से? शादी से पहले की मतलब कब तक रहेगा? जब तक सही अभी में ज्यादा झगड़ा हो गया तो डाइवोर्स हो जाती है। जब 2 दिन की पति के लिए इतने इतने सब लगा ली, जो असली पति उसके लिए तिलक रोज लगानी चाहिए, ठीक है ना। तिलक को पकी रखना, एक तिलक नहीं शरीर में 12 अंग में सबसे पहले तिलक लगाया करो। ये तिलक नहीं रक्षा मंत्र है, इसलिए भगवान कृष्ण को तो तिलक लगाए, राम को, नारायण, सब भगवान भी तिलक लगाते, ठीक है ना। तिलक के बगैर कभी भी ठाकुर को पास सामने नहीं जानी चाहिए। बगैर तिलक के अगर ठाकुर को पास में चले गए ठाकुर तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। जैसे एक पत्नी अगर सारे सधवा का चिन्ह उतार दे विधवा बन करके पति को सामने जाए, पति ग्रहण करेगा? तो मैं जिंदा रहता रहा तो तुमने मार डाल,
जब तुमने जगत का पति स्वीकार नहीं करेगा परम पति तुम इच्छा स्वीकार करेगा। इसलिए वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम कर्तव्य पहले द्वादश अंग में तिलक जरूर लगाओ, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु जब टीचर थे, किसी स्टूडेंट ने बगैर तिलक के आ गया, महाप्रभु बैठने नहीं दिया क्लास में, जब तुमने तिलक नहीं लगाई गुरु मंत्र जपने का घर में जाओ, पहले घर में जाकर तिलक लगा करके गुरु मंत्र जप करके तभी आई हो। इसका मतलब क्या, भगवान कहते हैं तिलक बगैर अगर मेरे सामने आ जाओगे तो मैं तेरे को स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये तिलक को पकी रखना, द्वादश अंग में तिलक लगाना, और जो कंठी है गले में जो तुलसी कंठी, कभी मैं किसको देखा हरिनाम लिया माला लिया आकर के बोले गुरुदेव मेरे को पहचानते हो, मैंने कहा तुम कौन हो, बोले मैं आपसे हरिनाम लिया ना, मैंने कहा तुम्हारे गले में कंठी कहाँ पे टूट गई, मैंने देखा बोले सोने का चेन तो टूटी नहीं सुना, मैं सोने का चेन तो टूटी कंठी के चेन टूट गई, और आकर के कहते हैं मैंने कहा कितना दिन के बाद में आ रहे, बोले दो साल पहले मिला था, बोले माला कहाँ है, बोले माला कभी कर लेता हूँ कभी करता नहीं है, कभी गुरुदेव के पास नहीं से किसने आकर के बोले, बोले एक दो साल में आकर कहते गुरुदेव मेरे को पहचानते हो। इसलिए नियम है क्या, गले में कंठी गुरुदेव कहते थे, जब गुरु जी से एक बार हमने कंठी धारण कर लिया क्या हो गया, गुरुदेव हमें ठाकुर जी के चरण में समर्पित कर लिया। गुरुदेव कहते थे अगर किसी कारण से तुम्हारी गला से कंठी उतर गई, जब तक उसको दो बार नहीं पहन लो तब तक पानी तक भी नहीं पीना, पानी पीना पाप है। पहले गले में, क्योंकि हम जो कुछ बोली बोलते हैं पवित्र बनकर के निकलती थी गले में कंठी, जो कुछ भोजन करते हैं अंदर में जाती है वो पवित्र बनकर को जाता है, हैं? इसलिए गला से अगर कंठी उतर गई तो अगर किसी कारण से कहीं तुम्हारी मृत्यु हो गई सीता नरक जाओगे, क्योंकि जब महाराज स्वयं कहते हैं मेरे जो भजन कहते हैं उनका अंदर में तीन लक्षण है, गले में कंठी पहनते हुए होंगे, तिलक लगाए हुए होंगे, हाथ में माला की झोली होगा, ये तीन चीज जरूर देखोगे, देखने पर पता चलेगा ये कौन है, ये भगवान की भक्त है, उनको कभी नरक मत लाइए, उनको कभी नरक मत लाइए। इसलिए तभी राधा जी की भक्ति हमें मिलेगी जब हम साधन निष्ठा पूर्वक साधन करेंगे, हैं? साधन भजन कुछ है नहीं, राधे 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 बोलते रहोगे तो राधा रानी मिल जाएगी, जो ब्रह्मा शंकर उद्धव कृष्ण के लिए भी जिनके चरण दुर्लभ है राधा रानी मिलेगी कैसे, तो तभी मिलेगी जब हम उनके लिए हम साधन करेंगे। इसलिए साधन को एकदम पक्के बनाओ साधन को, इसलिए कहते यही श्रद्धा बढ़ते 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 फिर निष्ठा में पहुंचती है, फिर रुचि में, फिर यही भाव दशा को प्राप्त करती है, यही भाव बढ़ते 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 जब ये महाभाव अवस्था को प्राप्त करता है, जैसे दूध को गर्म करते करते जैसे राबड़ी बन जाती है, जब यही भक्ति घनीभूत अवस्था प्राप्त करती है वो श्री श्रीमती राधा रानी, यही अमृत रूप में श्री राधा रानी। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान है क्योंकि आती राधा रानी का जन्म तिथि है, आप सबके सब राधा रानी की जन्म तिथि में आए हो, जिस दिन जिनका जन्म होता है ना वो बड़ी दयाल होता है, हैं? राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, जो लोग यहाँ आए हो जरूर राधा रानी आप सबको ऊपर में आशीर्वाद करेगी, सबको ऊपर में राधा रानी आज कृपा करेगी, श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की। जैसे वृंदावन में जो संत लोग रहते हैं ना वो माधुरी करके संत लोग अपना जीवन कर लेते, माधुरी जानते नहीं, घर घर में जाते हैं रोटी सब्जी ले आए ला कर खाए और दिन भर भजन किया। एक दिन क्या हुआ, जिस समय ये संत लोग बाहर जाएंगे माधुरी करने के लिए, ठीक उसी समय में वो एकदम तेजी आंधी तूफानी और बरसात आ गई, तो ये संत लोग बाहर नहीं जा पा रहे और घर में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम, अभी बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
मतलब क्या राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, उनका नाम बदले। इतने में क्या हुआ, आज राधा कृष्ण दोनों दोनों से मैसेज भेजा था, आज हम दोनों का मिलन कहीं पर होगा। पहले कभी राधा रानी अपना हाथों से कृष्ण के लिए कभी कुंज बनाती हैं, कभी कृष्ण स्वयं राधा रानी के लिए भी कुंज बनाती हैं। आज कृष्ण स्वयं राधा रानी के लिए बड़े सुंदर उन्होंने कुंज अपना हाथों से बनाया। आज श्री किशोरी जी राधा रानी आए, इतने में कृष्ण देख रहे हैं श्री किशोरी राधा रानी कब आएगी। लेकिन इधर क्या, जो आंधी तूफान आया और संत लोग बैठ गए भजन कर रहे हैं, अभी तो माधुपुरी के लिए जा नहीं पाए, कितना भूखे ना भजन वही गोपाल पेट में चूहे क्रोध रहे हैं संतों की। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में एक प्रतिज्ञा किया है, क्या प्रतिज्ञा किया है, बोले अनन्नाश्चिन्तयन्त माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षं वहाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति अनन्य रूप में, अनन्य मतलब क्या है, कहते और किसी देवा देवी को नहीं, एकनिष्ठ होकर तो मेरा ही नाम, मेरा भक्ति, मेरे भजन में जो डूबा हुआ ऐसे जो संत हैं, मैं उनके लिए दो काम करता हूँ। दो काम क्या करते हो, पहले घर में जो चीज नहीं है मैं स्वयं सर पर ढो करके घर में पहुंचाता हूँ, और घर में जो चीज है कृष्ण कहते मैं स्वयं एक नौकर बन के लिए मैं चौकीदारी करता हूँ उसका घर। कृष्ण स्वयं कहते हैं बात को, अभी कृष्ण से प्रतिज्ञा की, लेकिन अभी संत लोग भूखे बैठे हुए नाम कर रहे हैं, है अभी तुम भूखे बैठे हुए। इतने में श्री राधा रानी स्वयं क्या की, स्वयं रोटी बनाई, सब्जी बनाई, चावल दान बनाई, बना करके जो संत लोग घर घर में गए और राधा रानी सबको घर घर में खिला करके और बढ़िया लेट करते हुए कृष्ण को पास में आते। और कृष्ण तो राधा रानी के मिलने के लिए इतना उतावला हो रहे थे, कभी बाहर जाते हैं, कभी घर जाते हैं, कभी घर बाहर, कभी घर, ऐसे कर रहे हैं। राधा रानी बड़ी देर से आई, जब लेट ना आई, इतने में कृष्ण मुंह मोड़ कर बैठ गया। राधा रानी बात करना चाहते, राधा रानी कृष्ण बात नहीं कर रहे। इतने में राधा रानी कह रही है सखियों को, बोले भैया ये महात्मा जी को क्या हो गया, ये क्यों मुंह मोड़ कर बैठ गए। तब सखियों ने कहा कितने बजे तुम बोलती आने के लिए, घड़ी तो कितना बज रहा है, कृष्ण तुम्हारे लिए पागल हो रहे, कुंज बनाकर बैठे हुए तुम इतने लेट में आए हो। इतने में राधा रानी बोले हे श्याम सुंदर, आज क्या कहा भयो तुमको पता है, बोले कहा भयो, बोले गीता में तुमने ही तो प्रतिज्ञा की, जो तुम्हारी अनन्य रूप में तेरे जो भजन करता है उसको घर में जो चीज नहीं है उसको सब रखवाली करता, अब तो प्रतिज्ञा की। लेकिन आज क्या हुआ, संत लोग जिस समय माधुपुरी लेने जाएंगे तभी आंधी तूफान आ गया, तो संत लोग तेरा नाम ले रहे, भूखे बैठे हैं, प्रतिज्ञा तो तुमने कर दी, आज मैंने अपना हाथों से दाल सब्जी चावल और मैं बना करके संतों की घर घर में जा करके मैंने संतों को खिला करके आ रही हूँ, इसलिए इतने में देर हो गया। इतने सुनते ही कृष्ण का हृदय तो एकदम पिघल गया, कृष्ण का हृदय, कृष्ण राधा जी के चरण में गिर पड़े, बोले हे राधे तुम तो माँ हो, माँ क्या करती है, देखना जब तक तो बच्चों को नहीं खिला देती है ना तब तक तो माँ खाती है। जैसे बच्चा खेलते खेलते दिन भर जैसे सो गया शाम को, लेकिन भूखे हैं बच्चा, अगर माँ कभी भोजन कर सकती है, देखना बेटा उठेगा नहीं ना, उसको हिला हिला कर किसी तरह से उठाएगी, जब तक मैया खिला नहीं देती खाना तब तक मैया नहीं खाती। इसलिए जगत का माँ कौन है, मूल माँ श्री राधा रानी। इसलिए अगर हम एकनिष्ठ होकर के राधा रानी को अगर भजन करते ना, राधा रानी क्या करती है, कभी भी अपना भक्तों को भूखे कभी रखते भी नहीं। इसलिए हमारे टेर कदम पे कहाँ पर नंदगांव में जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आपस आपस में हरि चर्चा कर रहे थे, अभी से रूप गोस्वामी सोच रहे घर में बड़े भाई आए हैं बड़े दिनों में, इनको खीर बहुत प्यारा है, भैया को मैं खीर खिलाऊं, किसने आई, राधा रानी स्वयं चावल दूध काजू किशमिश सब लेकर राधा रानी आई, बोले बाबा बाबा लो ये दूध और चीनी लो खीर बना करके खा लियो अभी। लेकिन उनकी कथा ही समाप्त नहीं हो रहा, फिर राधा रानी घूम फिर करके आती है, फिर राधा रानी छठ और लक्ष्मी मई झट कंडा जलाई, बड़े सुंदर खीर बना करके रख करके, बोले बाबा बाबा
जब हरि चर्चा विश्राम हो जाएगा इसको ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद पा लियो। अरे लाली कोई चिंता मत कर तुम जाओ। जो बड़े देर में कथा विश्राम हुई तब रूपो गोस्वामी ठाकुर जी को तुलसी दल देकर भोग लगाए। देख रही जब बड़े भाई को खिलाए सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी तो खीर खा करके जीवन में बहुत खीर खाए लेकिन इतने स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाए थे। इतने स्वाद था क्यों? राधा रानी अमृत हस्ता है, इनको दुर्वासा जी ने वरदान दिया। तुम्हारे हाथ का जो भोजन करेगा ना वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे हाथ का जो भोजन करेगा दीर्घायु होगा। हैं? तुम्हारे हाथ में जो कुछ बनेगी अमृत बनेगी। इसलिए कृष्ण राधा जी के हाथ के बगैर कोई खाना कृष्ण नहीं खाते हैं। हैं? देखो एक चीज को याद रखना, जैसे कृष्ण राधा जी के हाथ के बगैर किसकी हाथ की खाना नहीं खाते, तो राधा जी की। इसलिए नियम है जब आप रसोई बनाने के लिए जाओ ना, ये मत समझे आज मैं रसोई बनाऊंगी। कौन बनाएगा? राधा। पहले राधा जी को प्रणाम करते लिए जाओ कृष्ण को, बोले हे राधे, कृष्ण तो तुम्हारी हाथ को अगर खाना खाते ही नहीं, हमारे हाथ से कृष्ण खाएंगे नहीं। आज मैं तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी स्मरण करते हुए, इसलिए मैं तो केवल तुमको मदद कर रही हूँ। खाना तो तुम ही बनाओ, रसोई तुम ही बनाओ, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें मदद कर रहे हैं। ये भाव लेकर के अगर आप रसोई बनाओगे ना तेरा उसमें कितने स्वाद आएगा बड़े। अगर खुद अभिमान आएगा, अरे मैं बढ़िया बनाती हूँ, बढ़िया मसाला भजा देता करके, मैं फिर तो किसी कृष्ण तुम्हारे हाथ का भजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए सब सनातन गोस्वामी प्रसाद पाए, बोले रूप क्या मन ने मुझे इच्छा की थी। बोले हाँ, आप तो बड़े दिनों में आए हो, मैं सोच रहा था आज आपको खीर खिलाऊं। बोले रूप इतने घना घोर जंगल में किसको पता तुम्हारी मन में भावना है, कौन दूध चीनी लेकर कौन आएगा आज? और कोई नहीं, और जो लाली आई थी ना वो स्वयं से राधा रानी नहीं, स्वयं लेकर के आई थी। खबरदार, कहां राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, आज राधा रानी हमारी सेवा करके ली गई, इसलिए हमारे अपराध हो गया, कभी ऐसी भावना नहीं करना। इसलिए उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना की है। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु राधा रानी, बड़ी कृपालु श्री राधा रानी। इसलिए हम लोग श्री राधा चरण में प्रार्थना करेंगे, हे श्री ईश्वर जी आप कृपा के क्या करो। इसलिए गुरुदेव हर समय एक श्लोक को बोलते थे, बोले हे राधे आपकी चरण में प्रार्थना बारंबार हम प्रार्थना करते हैं। बोले क्या प्रार्थना करते? बोले एक ही प्रार्थना, हमारी इच्छा पूरी कर देना आपका रजिस्टर में, जहाँ पर आपकी गोपी सखियों का नाम है ना, मंजरियों का, और सबसे नीचे हमारे नाम को लिख दो, सबसे नीचे हमारे नाम को लिख दो, मतलब कृपा करके अपना गढ़ने अपना दासत्व में हमें अपना सेवा चरण की हमें सेवा प्रदान करो। इसलिए हम भी आज श्री राधा रानी से, राधा रानी तो हमारे लिए बड़े दूर है, श्री गुरु जी से वैष्णव से प्रार्थना करेंगे, हे वैष्णव ठाकुर हे गुरुदेव कृपा करो कभी ना कभी जैसे है गुरु जी के अनुगत में श्री राधा जी के चरण की सेवा जैसे हमें प्राप्त हो। सबके सब यही प्रार्थना करना, यही जीवन की हमारी काम्य वस्तु है। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री विश्वानुराज नंदिनी की जय। जय श्री राधे। हमारे जीत को मांगे, इसलिए आप लोगों ने सब के सब राधा अष्टमी को उपलक्ष्य में सबके सब वहीं पर खड़े, इसलिए सबके सब आप राधा अष्टमी को उपलक्ष्य में आए हो, और यहाँ पर हमारे भक्त लोग ने तन मन और धन से, आप लोगों ने क्यों खड़े हो गए हो, इसलिए सबके सब तन मन धन से आप लोगों ने सेवा की है। इसलिए हम गुरु जी से वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी राधा रानी आप सबको बड़ा आशीर्वाद करें और अपना प्रेम प्रदान करें। और हमारे जीत प्रभु जी हैं, कल सब लोग चाव भी लेकर आए थे। कल क्या चाव लेकर के आएंगे? आए थे कल रात में हो गया, कल रात को चाव लेकर के आए थे। बहुत बढ़िया, गुरुदेव मथुरा में हम लोग इसलिए हमारे बड़े गुरु जी जो मथुरा में होते थे ना, उसी दिन बड़े धूमधाम से वो कहते थे जन्माष्टमी हमने जितने धूमधाम से बनाया, राधाष्टमी उससे भी ज्यादा धूमधाम से बननी चाहिए, क्योंकि हमारी आराध्या श्री श्रीमती राधा रानी। इसलिए आप लोग ने बड़े प्रेम उत्साह पूर्वक आए हो, इसलिए राधा रानी की सबके ऊपर राधा रानी की कृपा हो, राधा रानी के आशीर्वाद
अब सबको पहले राधा जी की आशीर्वाद कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करें, आरती होगी ना, आरती करो। प्रसाद कहाँ पाए, नहीं पाए ना सब लोग। लोग तो काम लेकर कहाँ बाहर बाहर पाएंगे, लोग प्रसाद कहाँ पाएंगे। हाँ, इसको हटा करके, हाँ इसको हटा करके सब एक एक गास दो गास जो कुछ हो इसको उठा देना, यहीं पर बैठ करके जितना हो दो बार में सब हो जाएगा। अब जैसे जगह की आपको पता कमी है, जो जो लोग पास के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो गुब्बारे में पाएंगे। जो दूर जाने वाले हैं, मेरी प्रार्थना है तो हम उनको पहले करा देंगे। कुछ लोग बाहर भी प्रसाद शुरू हो गया है, जैसे जो गाड़ी है लेके जाना चाह सकते हैं लेके भी जा सकते हैं। तो भगवानी कृपा से कभी बड़ा हो गया है, अभी होने वाला है महाराज जी। तो देखो, अगर आप लोग कष्ट हो रहा है, हमें पता है आप लोग बड़े कष्ट से बैठे, गर्भ में बैठे हो, लेकिन हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये मंदिर जल्दी जल्दी बन जाओ। ठीक है ना, अगर बन जाएगा तो हम सोच रहे हैं पूरा ये फ्लोर पूरा तोड़ करके सुंदर नाट मंदिर बने, जहाँ पर आप अच्छी तरह से आप पूरा एसी लगा दे, आपका गर्मी नहीं लगे, पूरा एसी लगा दे, आप आनंद से बैठ करके क्या कर सकते हो, भगवान की कथा और कीर्तन कर सकते हो। हम चाहते हो सुनते सब कौन चाहते हो। अरे बाबा रे, नाइडा के भक्त तो बड़े अच्छे भक्त हैं। हाँ देखो, लेकिन ये तभी हो सकता है आप लोगों का मदद से हो सकती है। आप लोगों ने तो पहले थोड़ी बहुत मदद किए है, तभी ये जगह को हम लेने के लिए हमने कोशिश किया है। लेकिन अभी अगर और थोड़ी सी मदद कर दोगे ना, कोई थोड़ा सीमेंट दे दोगे, कोई थोड़ा ईंट दे दोगे, कोई थोड़ा है, कोई थोड़ा क्या क्या दोगे, बजर फूल दे दोगे, अगर थोड़ी थोड़ी आप लोग दे दोगे ना, मुझे लगता है ये बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग का आशीर्वाद से हम चाहते जल्दी जल्दी ये बन जाए, फिर तो आप लोग आनंद से को कीर्तन करो और धरती जाने। हाँ, एक माता जी भगवती मंदिर, हाँ मंदिर के लिए उन्होंने 10,000 रुपया दिया। माता जी भगवती, देखो भगवान खुद कहते हैं अगर मेरे कहीं मंदिर बने ना, एक ईंट दे दे उसके लिए मैं बोलो तो वृंदावन में राजमहल बना देता हूँ। इसलिए आप लोग जितने हो सके संभव है अनुरूप अगर थोड़ा थोड़ा दो देखो मंदिर बनते हैं। ठीक है, मंदिर बनते हैं। ठीक है, बोलो श्रीमती राधा रानी की। यशोमती नंदन Oh,
Thank you.